हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए नवरात्रों में नव दुर्गा को लगाए जाने वाले नौ भोगों के बारे में। लेकिन यह वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, नवरात्रि पर्व पर माता की आराधना के साथ ही व्रत, उपवास और पूजन का विशेष महत्व है। जिस प्रकार नवरात्रि में नौ दिन माँ दुर्गा के नौ अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार इन नौ दिनों में माता को प्रत्येक दिन वह रूप के अनुसार भोग या प्रसाद अर्पित करने से देवी माँ सभी प्रकार की समस्याओं का नाश करती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन नौ भोगों के बारे में, जिन्हें देवी माँ को अर्पण करने से वो प्रसन्न होती हैं तथा समस्याओं का अंत करती हैं। पहला, नवरात्रा। नवरात्रि का पहला दिन यानी माँ शैलपुत्री का दिन। इस दिन देवी माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है तथा सभी व्याधियां दूर होकर शरीर निरोगी रहता है। दूसरा, नवरात्रा। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन देवी माँ को शक्कर का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं। इस भोग को देवी के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के सभी सदस्यों में बांटने से सभी की आयु में वृद्धि होती है। तीसरा, नवरात्रा। नवदुर्गा का एक रूप है चंद्रघंटा। माँ के इस रूप का पूजन नवरात्रि के तीसरे दिन होता है। इस दिन माँ को दूध की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करना शुभ होता है। इससे दुखों की मुक्ति होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। चौथा, नवरात्रा। माँ दुर्गा को नवरात्रि के चौथे दिन मालपुओ का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती है। इस भोग को मंदिर के ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय शक्ति भी बढ़ती है। पांचवा, नवरात्रा। नवरात्रि का पांचवा दिन यानी माँ स्कंद माता का दिन। इस दिन माता को केले का नैवेद्य चढ़ाना बहुत उत्तम होता है। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। छठा, नवरात्रा। नवरात्रि के छठवें दिन देवी माँ को शहद का भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन शहद का भोग लगाने से मनुष्य की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। सातवां, नवरात्रा। नवरात्रि के सातवें दिन देवी माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। सातवें दिन माँ को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने व उसे ब्राह्मण को दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है एवं आकस्मिक आने वाले संकटों से भी रक्षा होती है। आठवां, नवरात्रा। नवरात्रि के आठवें दिन देवी माँ को नारियल का भोग लगाएं और नारियल दान भी करें। इससे संतान संबंधी सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है एवं देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। नौवा, नवरात्रा। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि के दिन तिल का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान दें। इससे मृत्यु भय से राहत मिलती है, साथ ही अनहोनी होने की घटनाओं से भी बचाव होगा। तो दोस्तों, ये थे नवरात्रि में नव दुर्गा के नौ रूपों को चढ़ाए जाने वाले नौ भोग व उसके लाभ। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। हम नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।